हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त संजीत सिंह सिंह आयुर्वेद में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों, आपने मेरी कुछ वीडियोस में सुना होगा कि मैं खरा तीन के तेल के बारे में आप सभी के सामने जिक्र कर रहा था कि आप खरा तीन एकत्रित कर लें और मैं उसका तेल के बारे में आपको आगे आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, ये मैंने खरा तीन एकत्रित कर रखे हैं। कम से कम आप 500 से 600 ग्राम खरा तीन एकत्रित कर लें, तभी आपका अच्छे से ऑयल तैयार होगा। और दोस्तों, ये किन किन मर्ज़ों पे काम करेगा? जिनके लिंग में तनाव नहीं है, इंतशार, टाइमिंग, लिंग का टेढ़ापन, लिंग का गिर जाना या लिंग में पेनिस में जान नहीं रहना, इसी औरत के साथ संभोग करते समय अंदर से ढीलापन महसूस होना, पेनिस में दर्द होना, उन सभी मर्ज़ों पे ये काम करेगा। तो आपने क्या करना है दोस्तों, 500 से 600 ग्राम खरा तीन जीवित आपने एकत्रित करने हैं और इनको एक बार पानी में धो लेना है आराम से। जैसे मैं जिस प्रकार अब आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए कि आपने जो खरा तीन लिए हैं वो जीवित लेने हैं आपने। देखिए, आपने इस प्रकार ये जीवित खरा तीन लेने हैं और इनको एक तसले या दाबड़े में हल्का सा धो ले पानी के साथ। फिर उसको एक किसी कपड़े पे पलट दें या बिछा दें कि उनका पानी निकल जाए जिसमें आपने धोया है। उसके बाद आपने 2 लीटर का एक बीकर लेना है जिसके अंदर आपने इन आधा किलो खरा तीनों को डालना है। और उसके बाद आपने दोस्तों क्या करना है कि जब आप खरा तीनों को उन बीकर में डाल दो, तो आपने अगली सुबह ये देख लेना है कि बीकर में दोबारा पानी तो नहीं बैठा, तो आपने वो पानी निकाल देना है। और एक बात का ध्यान ज़रूर रखें दोस्तों कि जब आप ये खरा तीन है जो हमारे बीकर में डालो, तो आपने क्या करना है, ऊपर से कपड़ा बांध देना है कि ये बाहर ना निकलें। अगले दिन इनका पानी जो नीचे उतर जाए उसको निकाल कर आपने 1 लीटर जैतून का तेल इसमें डाल देना है, 3 ग्राम केसर इसमें डाल देना है और कम से कम 20 दिन इसको धूप में रखना है। और जब ये केचू इन बीच में घुल जाए, और रोज़ आपने कीकर की डंडी के साथ इसको हिलाना है। और आगे का प्रोसीजर मैं दोस्तों आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।